कन्नौज खातेगांव और आसपास के क्षेत्र में दर्जनों विकलांग तहसील प्रांगण में एकत्र हुए और एसडीएम तिलोचन गोड़ को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम को 29 अगस्त को भी आवेदन देकर अवगत कराया था। एसडीएम द्वारा इन विकलांगों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी इसकी समस्या हल नहीं हो पाई। एक बार फिर सभी विकलांग एकत्र होकर एसडीएम को ज्ञापन देने आए, फिर भी उनको आश्वासन ही मिला। उनकी मांग है कि विकलांग पेंशन बढ़ाई जाए, रोजगार दिया जाए, बस का किराया फ्री किया जाए एवं आवास योजना दी जाए। उन्होंने कहा, पेंशन भी हमें समय पर नहीं मिल पाती, महंगाई बहुत है, इतने से पैसे में हमारा क्या होगा। सभी एकत्र होकर खातेगांव जनपद पंचायत सीईओ अंकिता अलावा के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या सीईओ को बताई। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। विकलांग वाला सर, ये विकलांग अपनी समस्या लेके आए हैं, क्या समस्या है, क्या निराकरण है? आज क्षेत्र के दिव्यांगजन बड़ी संख्या में मेरे पास यहाँ मिलने के लिए आए थे। इनकी मांग है कि जो 600 रुपये प्रतिमाह इनको पेंशन शासन से मिलती है उसमें बढ़ोतरी की जाए, ये राशि कम है। दूसरा, जब ये लोग बसों से अपने काम के लिए कहीं जाते हैं तो इनसे बसों के मालिक द्वारा किराया लिया जाता है। मैंने जिला परिवहन अधिकारी वसावा मैडम से बात की है और उन्होंने इस तरह का आदेश देवास से जारी करने के लिए कहा है, जिसमें इन लोगों को किराए से दिव्यांग होने के कारण छूट मिल सके। रही बात इनके पेंशन की वृद्धि की, तो वो हम मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा सत्र में इस मामले को मैं रखूँगा। मध्य प्रदेश की सरकार बहुत संवेदनशील है, पहले भी दिव्यांगजनों के लिए बहुत कुछ इस सरकार ने किया है। साथ ही साथ जो दिव्यांगजन अपने परिवहन के लिए आने जाने के लिए बैटरी चलित वाहन चाहते हैं, उनके नाम और प्रमाण पत्र भी हमने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। आने वाले समय में उनको भी वाहन केंद्र सरकार के निःशक्त विभाग के माध्यम से विधायक निधि की जो योजना है उसके आधार पर हम दिलवा देंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवराम सैनी। कहाँ से आए? किशनपुर। यहाँ से कितनी दूर? यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ता है। क्या समस्या क्या आपकी? पहले ही मांगे हमारी विकलांग पेंशन बढ़ाई जाए, 600 रुपया में कुछ भी नहीं होता है। आम क्या होगा विकलांग आदमी का 600 रुपया में? दूसरी मांगे है हमारी स्कूटी दी जाए विकलांगों को, अब हम जैसे को भी स्कूटी नहीं मिलेगी किसको मिलेगी। तीसरी मांगे हमको आवास दी जाए, क्योंकि विकलांगों को आवास नहीं मिल रही है। तो आवास कौन को दे रहे? आवास दे रहे जो जिनके पास विकलांग पाते थे, आवास नहीं दे रहे अभी। जो विकलांग अभी सिंगल सदस्य है उसको आवास मिल ही नहीं रही है। तो देख कितने रहे आवास? आवाज तो उनको दे रहा जिनके पास जमीन जायदाद थे, बस जो पैसे दे देते हैं और ले दे के काम कर देते हैं। सचिव बोलता तुम्हारा डाटा डिलीट होगा, आज मेरे पास एक लिस्ट आई थी मेरे गांव की, उसमें मेरा नाम था। जो वो सचिव के पास गया, बोला डाटा डिलीट होगा, दूसरा आगे उसमें देंगे आपको ऐसी और चौथी मांग हमारी राशन कार्ड दिया जाए, बीपीएल सबके बनाए। और पांचवी मांग है हमको रोजगार दिया जाए। पढ़े लिखे में भी गाँव में कह देता है कि अभी नहीं आया, जाओ चले जाओ। हाँ, हमारे गांव के सरपंच मंत्री कोई नहीं सुनता है, हम लोग की ब्लाइंड उनकी और जमीन जायदाद वाले उनको मतलब झुग्गी मिल रही है, उनको सूचना दे रहे हैं हर चीज की, हम लोग को नहीं दे रहे हैं। हाँ, मैं रक्षा महेश्वरी दीपगांव से बोलना चाहती हूँ। कितनी बात पहले सुन भाई, दीपगांव वो मतलब विकलांग लोग की करो, जिसके बाद में दूसरे व्यक्ति की करे जाएगी। आप ये योजना निकालो, आप ये योजना पूरी निकलनी चाहिए, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ऐसा थोड़ी ना की दे दी उनको, एक बार भी नहीं मिली उनको, दो 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 बार की दे दी और हमको एक बार भी नहीं मिली। कौन से गांव? डीजल गांव से उनको दो दो बार दे दी और हमको एक बार भी नहीं मिली। उनको दे दी दो दो बार? ये किसान लोग उनको दे दी दो दो बार, उनका मकान ऊपरी तक बन गया और हमारा गाँव झोपड़ी ही है। हम नहीं पहले विकलांग हमारी झोपड़ी, हम मंदिर पास जाते हैं लड़कार देते हैं, तुम्हारा काम कोई नहीं है, जाओ। ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।